ओके, कंटिन्यूटी लिमिट का चैप्टर अपन ने पूरा पढ़ लिया, कंटिन्यूटी का चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अच्छे समझ लिया। अब एक बहुत गजब का चैप्टर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये चैप्टर कंटिन्यूटी के चैप्टर से भी छोटा है। सबसे अच्छी बात तो ये है इस चैप्टर की, छोटे छोटे चैप्टर से खटाखट निपटते आते हैं, कोर्स भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये चैप्टर छोटा जरूर है, कंटिन्यूटी से बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका यूज़ बहुत अच्छा है। इसी पर बेस्ड होगी पूरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी या इसको डिफरेंशिएबिलिटी भी कहते हैं, डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी। आइए सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर दूं, फिर हम लोग आते हैं। इस डेरिवेबिलिटी पढ़ें चाहे डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ें, दोनों में एक शब्द आता है एबिलिटी। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब काबिलियत। लाइफ में एक बात हमेशा ध्यान रखें, काबिल होना और सफल होना दोनों दो अलग अलग बातें हैं। हर काबिल आदमी सफल नहीं होता और हर सफल आदमी काबिल नहीं होता। चलो अच्छा, आइए डेरिवेबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके अंदर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये चैप्टर बेसिकली, इस चैप्टर में हम एबिलिटी काबिलियत जांचेंगे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव है कि नहीं है, डेरिवेटिव है तो क्या है और डेरिवेटिव नहीं है तो क्यों नहीं है। दिस, एक मिनट रुक जाओ मेरे बच्चे, दिस चैप्टर इज अबाउट द टेस्टिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ फंक्शन टू हैव डेरिवेटिव। दिस चैप्टर इज अबाउट द टेस्टिंग ऑफ द एबिलिटी ऑफ द फंक्शन टू हैव डेरिवेटिव। इफ इट हैज अ डेरिवेटिव देन फाइंडिंग इट एंड If not has a derivative, then why not? ये चैप्टर बेसिकली डेरिवेबिलिटी, क्या वो काबिल है डेरिवेटिव देने के, क्या उसका डेरिवेटिव निकलेगा, क्या उसमें काबिलियत है कि उसका डेरिवेटिव निकाला जा सके, तो ये चैप्टर बेसिकली सिर्फ काबिलियत जांचने के बारे में है। दिस चैप्टर इज अबाउट द टेस्टिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ द फंक्शन वेदर इट हैज अ डेरिवेटिव और नॉट। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि क्या क्या ऐसा हो कि फंक्शन का डेरिवेटिव हो और क्या क्या ऐसा हो जाए कि फंक्शन का डेरिवेटिव ना हो, यही इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। डेरिवेटिव नहीं है तो क्यों नहीं है और डेरिवेटिव है तो क्यों है और क्या है, यही इस चैप्टर का मेन क्रक्स है। तो दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट द टेस्टिंग ऑफ द एबिलिटी ऑफ द फंक्शन टू हैव अ डेरिवेटिव, कि भैया इसका डेरिवेटिव है कि नहीं, है तो क्यों होए, नहीं है तो क्यों नहीं है, इन सवालों के बारे में है चैप्टर। अब सबसे, हाँ कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, बोलो क्या पूछ रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भयंकर भयंकर लिमिट ही है, अभी देखते जाओ। जैसे कंटिन्यूटी में हर जगह लिमिट ही निकालनी थी, वैसे इसमें भी लिमिट ही है। अच्छा, ये हो गया तो कंसेप्ट भैया, कि ये चैप्टर का नाम से ही समझ जाइए, मैथमेटिशियंस बहुत ही भोले लोग होते थे, उन्होंने हर चीज़ का नाम बहुत ही साधारण रखा हुआ है। डेरिवेबिलिटी, क्या इसमें एबिलिटी है डेरिवेटिव देने की, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये है डेरिवेबिलिटी। तो ये चैप्टर का कंसेप्ट हो गया। अब सबसे पहले जिस चीज़ की काबिलियत आप पूछ रहे हैं, किस चीज़ की काबिलियत पूछ रहे हैं, इसका डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज डेरिवेटिव। अरे भाई, जिस चीज़ की काबिलियत ढूंढ रहे हो वो चीज़ तो पता हो, चलो भाई डेरिवेटिव होने की काबिलियत ढूंढनी है, अब पहले डेरिवेटिव तो समझो, डेरिवेटिव है क्या जिसकी काबिलियत ढूंढनी है। तो ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज अबाउट द टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द फंक्शन वेदर इट विल हैव अ डेरिवेटिव और नॉट।
whether it will have a derivative or not. And if it has a derivative, why it is having a derivative? And when if it does not have a derivative, then why it is not having a derivative? ये है basically chapter. अब सवाल उठता है कि सर derivative होने की काबिलियत जांचनी है, इसका derivative होगा कि नहीं होगा ये पता लगाना है. तो गुरुजी पहले तो ये बता दीजिए कि derivative क्या होता है. तो derivative को मैं geometrically भी समझाऊंगा और algebraically भी समझाऊंगा. तो ज्योमेट्रिकली पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डेरिवेटिव. सबसे पहले आप ज्योमेट्रिकली देखें, फिर उसी चीज़ को हम एलजेब्रा की मदद से एलजेब्रिकली देखेंगे. ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे. मान लीजिए कोई कर्व है और ये एक पॉइंट है. मैं बोलूँ इस पॉइंट से सीकेंट खींचो, तो इस पॉइंट से सीकेंट दो तरीके से खींची जा सकती है. एक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट का मतलब हमेशा पीछे होता है यानी कम वैल्यूज, और राइट हैंड साइड हमेशा आगे होता है ज़्यादा वैल्यूज. ठीक है, तो अगर सीकेंट खींचनी है तो आप लेफ्ट हैंड साइड भी सीकेंट खींच सकते हैं या ऐसे राइट हैंड साइड भी सीकेंट खींच सकते हैं. सीकेंट का लिमिटिंग केस होता है टेंजेंट. लेफ्ट हैंड साइड ध्यान देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड सीकेंट है, एस का मतलब सीकेंट है, यानी लेफ्ट हैंड सीकेंट. सुनते हैं ध्यान से, ये राइट हैंड सीकेंट है. आमतौर पर अपना RHS को राइट हैंड साइड पढ़ लेते हैं, उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है. ये राइट हैंड सीकेंट है. अब सुनते हैं ध्यान से, टेंजेंट, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट. टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट. कहने का मतलब अब ये पॉइंट को ए कह देते हैं और इस पॉइंट को बी कह देते हैं और इस पॉइंट को सी कह देते हैं. ऐसे जैसे जैसे बी ए के करीब आता जाएगा, देखो थोड़ा सा करीब आया बी, देखो यहां से यहां आ गया, और करीब आएगा बी, धीरे धीरे ए और बी के बीच में दूरी जीरो को टेंड करेगी, तो ये बन जाएगी LHT, लेफ्ट हैंड टेंजेंट. आइए इसको मैं ग्राफ को थोड़ा सरका के और ढंग से बता दूं. जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है, बड़ा सा कर्व है, और ये एक पॉइंट है ए, तो सीकेंट खींचूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सीकेंट हो गई, तो दूसरा जो पॉइंट है इसको इसके और करीब लाओ, ए के करीब लाओ, ये लो करीब आ गया, और करीब लाओ, और करीब लाओ, करीब लाते 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 ऐसी स्थिति होगी कि ए और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगी टेंजेंट. इसीलिए टेंजेंट को लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट कहा जाता है. सीकेंट का मतलब दो पॉइंट्स के बीच में कुछ फाइनाइट दूरी है, और टेंजेंट का मतलब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी टेंडिंग टू जीरो हो गई. ऐसे आप जो टेंजेंट का लिमिटिंग केस है वो लेफ्ट हैंड साइड के बजाय राइट हैंड साइड भी खींच सकते हैं. देखिए कैसे, सी को धीरे धीरे ए के करीब लाओ, और करीब लाओ, और करीब लाओ, बहुत ही करीब ले आओ, तो ये बन गई राइट हैंड टेंजेंट, RHT, राइट हैंड टेंजेंट. जब लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट दोनों कोइंसाइड करके सिंगल लाइन बना लेती हैं, व्हेन लेफ्ट हैंड टेंजेंट एंड राइट हैंड टेंजेंट कोइंसाइड टू फॉर्म अ सिंगल लाइन, दैट इज अ सिंगल टेंजेंट, देन वी से that function is derivable at that point. जब left hand side tangent और right hand side tangent दोनों coincide करके single line बना लेती हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ उस point पर function derivable है, and slope of tangent is called
इट्स डेरिवेटिव, और जो टेंजेंट का स्लोप है वही उसका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। मान लीजिए एक कर्व कुछ ऐसा है, ऐसे शार्प कॉर्नर। अब इस पॉइंट पर देखिए, ये जो एकदम चोंच है ना, ये ए, इस पॉइंट पर देखो। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंट खींचूं और धीरे धीरे उसको करीब लाऊं, तो ये टेंजेंट मिलेगी। ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड में सीकेंट खींचूं और धीरे धीरे उसको करीब लाऊं, तो ये टेंजेंट मिलेगी। इस केस में लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट कोइंसाइड नहीं की, तो हम बोलेंगे नॉन डेरिवेबल एट ए। जैसे हमको कोई बोलता है डेरिवेबल है, तो खट से समझ जाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का टेंजेंट और राइट हैंड साइड का टेंजेंट कोइंसाइड करके सिंगल लाइन बनाती है, और डेरिवेटिव क्या है, यही टेंजेंट का स्लोप है। अरे जब दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, दोनों मिलके एक लाइन बन जाएंगे, तभी तो स्लोप की बात करेंगे। अब एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो किसकी स्लोप, लेफ्ट हैंड वाले की स्लोप की राइट हैंड वाले की स्लोप। जब दोनों मिलके कंबाइन कर लेंगे, दोनों मिलके एक ही लाइन बन जाएंगे, तब हम बात करेंगे स्लोप की। क्या कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर समझ में आया और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव समझ में आया? कॉपी करिए।